मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद को लेकर पर्यटन विभाग ने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की है। अध्यात्म पर्यटन के तहत जबलपुर से नर्मदा परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई गई। प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली माँ नर्मदा नदी की परिक्रमा का विशेष महत्व है और हर साल लाखों भक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा विभिन्न माध्यमों से करते हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग द्वारा नर्मदा नदी की परिक्रमा के लिए सर्व सुविधा युक्त वाहनों की व्यवस्था की है। 14 दिन और 15 रात के इस टूर पैकेज की सुविधा जबलपुर, इंदौर और भोपाल से ली जा सकती है। मध्य प्रदेश के अध्यात्म का केंद्र है और मैं ऐसे समझता हूँ कि सनातन के अध्यात्म का केंद्र नर्मदा जी हैं और पूरे देश के लोगों की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में एक बार कम से कम नर्मदा जी की परिक्रमा करें। जब मैं पर्यटन निगम का अध्यक्ष बना तो ये बात बार बार आती थी कि लोग मुझसे पूछते थे भैया नर्मदा परिक्रमा कब करा रहे हैं। तो ये सरकार का दायित्व भी है कि अगर लोग कोई पर्यटन करना चाहते हैं, वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह का पर्यटन हो, तो सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैंने तय किया कि मैं डिपार्टमेंट की तरफ से नर्मदा परिक्रमा का उपक्रम शुरू करूंगा और उसी क्रम में ये आज पहला जत्था रवाना हो रहा है। 16 लोग जा रहे हैं और ये 14 रात और 15 दिन की परिक्रमा होगी। ये मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने तय किया है कि हम अभी 3 स्थानों से प्रारंभ करेंगे, एक ओंकारेश्वर से, एक नैमावर से जो नाभि कुंड है नर्मदा जी का, और एक अमरकंटक जहां उद्गम है। और ये 14 रात में हम ओंकारेश्वर, महेश्वर और अपना महाकाल, ये सब स्थान उसमें शामिल करते हुए, ये भी साथ में 2 ज्योतिर्लिंग भी होंगे और बाकी जितने धार्मिक स्थल पड़ने वाले हैं तट पे, उन सब का भ्रमण करते हुए यात्रा पूरी होगी। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के जो होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, उनमें हम लोगों को रोकेंगे। ये बहुत सुविधा संपन्न रिसोर्ट्स और होटल्स हैं और बहुत कम व्यय पे हम इसको करा रहे हैं। 14 रात और 15 दिन की ये यात्रा बस के द्वारा कुल 45,000 रुपये में पर व्यक्ति के हिसाब से हम करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म नहीं होता था कि कैसे सुविधाजनक तरीके से यात्रा करें, वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने किया है और लोग सुविधाजनक तरीके से और यात्रा पूरी कर सकेंगे, अपना मनोरथ पूरा कर सकेंगे। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 15 दिवसीय नर्मदा यात्रा पर जा रहे हैं। हम सब एक सैनिक संघ के सभी सैनिक हैं। हाँ, बस ये यात्रा हमको बहुत अच्छी लग रही है। इतना 15 दिवसीय है, वहाँ जैसा प्रोग्राम बताया गया कि ये कार्यक्रम ऐसे ऐसे हो जा करके होगा, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। जाने के लिए सोचना पड़ता होगा क्या स्थिति? इसके पहले हम लोगों को जाने के लिए काफ़ी कुछ सोचना पड़ता था कि कैसे हम नर्मदा परिक्रमा करें। आज विनोद गुड़िया के अध्यक्षता में, विनोद गुड़िया साहब के अध्यक्षता में हम लोग के इतना अच्छा सौभाग्य कहिए क्या, हम लोगों को सम्मान मिला और जाने के लिए उनके साथ, और हमारे जो रजनीश जी हमारे अध्यक्ष हैं उनके साथ नहीं होगी। अभी हम लोगों की यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी, हर जगह हम लोगों की व्यवस्था अच्छा की है, बुजुर्ग से लेकर के और जवानों तक का। दोस्तों, न्यूज टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।